गल करन लगे हो ऐ ते देखो कि वो गल दे पिछे की हैगा है। वो जेड़ा बंदा हर रोज उठते बहते 100 कर रहा होगा ओदा भी एक दिमाग होना है कि वो सोचे समझे बगैर पहुंच गया उथे। इसका मतलब है आपको समझ ही नहीं है। हो सकता उन्हें लग रहा हूं अपने पार स्कोर से जो हमें चाहिए मैच जीतने के लिए हम उससे बहुत ज्यादा स्कोर कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है बट साहब, जब हम ये बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में हकीकी तौर पे क्रिकेट के हवाले से प्रोडक्टिव गुफ्तगू भी नहीं होती है? कभी कहीं बॉल की बात होती है, कहीं बाबर आजम को एक अजीम बल्लेबाज ना मानने की गुफ्तगू नजर आती है, और कहीं ये नजर आती है कि विराट कोहली जो है वो एक खुदगर्ज खिलाड़ी है। इन सब में पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी की तो कोई बात नजर आती है आपको? पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी को तो एक अलग टॉपिक कर दीजिए, ये आपको बोलने वाले का मेंटल लेवल दिखाती है इस तरह की चीज। हाउ ऑर्डिनरी इज द पेडिग्री ऑफ थिंकिंग। आप क्या बात किसके बारे में कर रहे हो और इसका उसको क्या, उस तक तो शायद आपकी खबर ही ना पहुंचे। आप अपने ही सोच लें कि मैं क्या बात करने लगा हूं। इट इज वे बियॉन्ड मतलब कि Why? क्यों आप इस तरह की बात करेंगे? Having played so much of cricket, you deserve to say better thing. ठीक है? मुझे नहीं समझ आई कि क्यों इस बहस में पड़े यार। उन 49th शो है हिस्ट्री का, दुनिया क्रिकेट की हिस्ट्री का एवर लिविंग, इतनी सेंचुरियां किसी की नहीं है। मैं कहता हूं उसने जान के 3 स्कोर आराम से लिए। और यार 250 स्कोर से टीम मैच जीत रही है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसका मतलब है आपको समझ ही नहीं है। वो हो सकता है उन्हें लग रहा हूं अपने पार स्कोर से जो हमें चाहिए मैच जीतने के लिए हम उससे बहुत ज्यादा स्कोर कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और वो था भी विकेट ऐसा ही, और उनकी बॉलिंग जो कर रही है 50-50 पे वो टीमों का आउट कर रहे हैं। यार तुसी गल करन लगे हो ऐसे देखो कि वो गल दे पिछे की है गए। वो जेड़ा बंदा हर रोज उठते बहते 100 कर रहा होगा ओदा भी एक दिमाग होना है कि वो सोचे समझे बगैर पहुंच गया उथे। सो ओनली थिंग यू डू बाय सेइंग सच थिंग्स इज यू रिवील के आपको कितना पता है, दैट्स इट। उसने कहा कि वो जो पहले तो उसने कहा कि कोहली सेलिब्रेट, फिर उसने कहा कि वो जो एंड में उसने 3 सिंगल्स ली। यार क्या हो गया तुम्हें यार? ही वाज रनिंग टिल द लास्ट बॉल फॉर टू। यू कॉलिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ दिस इरा अ सेल्फिश प्ले, गॉड से। और फिर अच्छा उसके बाद ही प्रूव्ड इट इन अनदर द सेम प्रोग्राम कि देखिए ना, ये होते हैं अनसेल्फिश प्लेयर्स, बेन स्टोक्स,